आपने कल कैलकुलेट किया। मैंने दोनों का अब यहाँ ध्यान से, यहाँ पे हम दोबारा से इसका यदि कोई अगर से ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे भी इसके साथ जो क्रिएट्स है इसका क्यों भी आप अलग से, जितनी टर्म्स बन रही है हमने क्या करना है हर टर्म का अलग से लिमिट लेना। Now this will be replaced with one. This will also be replaced with one. बाकी अभी चेंज नहीं करना और we will be left with limit x tends to 0 ax plus limit x tends to 0 dx upon limit x tends to 0 ax plus limit x tends to 0 dx. चलो हमारी 0/0 साफ बन रही थी ना, तो अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ax plus bx साथ रह जाएगा, कांस्टेंट है 1, तो यू विल डू इट इन दिस इक्वल टू 1 चलो क्या आ रहे That's why direct नहीं बुक करेंगे, कैसे होगा तो गलत है ना, वो गलत है इसीलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे, नहीं आएगा ना, इन्फिनिटी आंसर आता है कभी लिमिट्स में, नहीं आएगा। हाँ जी, अब लिमिट x टेंड्स टू जीरो, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, दोनों में हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दोगे, नीचे एंगल एक्स होगा ऊपर हाफ ऑफ द एंगल आ जाएगा ना, क्यों यहाँ पे टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा ना, फिर कटिंग कैसे करोगे,
हाँ ऐसे कर लो, चलो कंप्लीट करो इसको। वन कैसे आ रहा है? इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी टू साइन हाफ ऑफ द एंगल लगा लो फॉर्मूला। ये साइन स्क्वायर साइन टू से टू कट के, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स बाय टू एंड टेन जीरो इज जीरो, अदरवाइज डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कर सकते हो। साइन टू थीटा वाला, टू साइन हाफ ऑफ द एंगल कॉस हाफ ऑफ द एंगल। डन हो गया समृद्धि, आ गया आंसर ऐसा। चलिए नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन स्टेटमेंट बोलो। चलिए क्या करें इसमें, नहीं आएगा ना? कौन सी फॉर्म बन रही है? तो क्या करें, पुट कर लो ना, डायरेक्ट पुट करो वैल्यू। कहाँ? हाँ अपॉन में जीरो आ गया ना, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई ना, या आप ऐसे ले लो इन्फिनिटी बन गया, अगर डिवाइड एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो नॉट डिफाइंड। हाँ जी क्या करें हम इसको सॉल्व करने के लिए? क्यों? कॉट का फॉर्मूला नहीं है ना हमारे पास? यहाँ x माइनस फाइव बाई टू है, उससे क्या हुआ? बात तो वही रहेगी ना, जीरो बाय जीरो क्यों नहीं आएगा? ऐसी टू इंटू जीरो इज जीरो, नीचे थ्री पाई कैसे आ गया? टू इंटू पाई बाय टू जब आप करोगे तो दैट इज अगेन पाई, पाई माइनस पाई रह गया। हाँ जी टू पाई नहीं है ना, टू एक्स हो गया यहाँ पे। ये कह रहे हो ना, आपने ये एलसीएम ले लिया, ये टू आप कह रहे हो हम ऊपर ले गए, व्हाट वी आर लेफ्ट विद टू एक्स माइनस पाई इन द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे जब आप एक्स को पाई बाय टू पुट करोगे तो फिर से वही पाई बाय टू कैंसिल होके पाई माइनस पाई इज अगेन जीरो, क्योंकि एलसीएम लेके आपका वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? तो क्या करेंगे अब इसमें, एक्स माइनस पाई बाय टू को अगर हम सम अदर वेरिएबल लेके चले, लेट अस सपोज कि हमने h ले लिया, तो क्या होगा? अब as x approaches pi by 2, h approaches, h zero का अप्रोच कर रहे, उधर क्या कन्वर्जन हो जाएगी? डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे h, अब उधर क्या बन जाएगा tan 2x की जगह, x को क्या पुट करोगे? tan 2 as it is आ गया, x क्या बना? h प्लस पाई बाई टू। अब ये क्या बन गया, माइनस के प्लस, अब टेन पाई प्लस थीटा,
फाइव प्लस हाँ टेन टू एच हो जाएगा ये, तो क्या रह गया लिमिट टेन टू एच अपॉन एच हम आप कर सकते। हाँ जी क्या कह रहे हो मधु, ये वन हो गया तो टू इंटू वन इज टू इज योर आंसर। कौन सा बेटे टेन ऑफ फाइव प्लस थीटा इज टेन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना फाइव प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का टेन पॉजिटिव ही होता है और नाइनटी इंटू इवन नंबर होता है तो चेंज नहीं होता, तो टेन फाइव प्लस थीटा इज टेन थीटा, तो वो यहाँ पे हमने थीटा की जगह टू एच था। डन नेक्स्ट स्टेटमेंट। f of x is equal to अब देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो है और हमें लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो गिवन है, तो इस पॉइंट पे लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट जो है x टेंड्स टू जीरो वो एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो दोनों सेम नहीं आ रही तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब x लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये लेके चलना है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये लेके चलना है, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो f of x exists if left hand limit is equal to right hand limit. So यहाँ पे हम पहले left hand limit निकाल लेते हैं, limit x tends to zero from minus side shows कि we are calculating the left hand limit f of x. अब left hand यानी कि less than zero के लिए function की ये value put कर दोगे, यहाँ पे जब आप फंक्शन की वैल्यू पुट करते हो ये नेगेटिव साइन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब लिमिट पुट कर दोगे दिस इज थ्री, नाउ कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट, एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम प्लस साइड आ जाएगा तो दिस इज थ्री इंटू एक्स प्लस वन, अब एक्स को जीरो पुट कर दोगे तो अगेन दिस इज थ्री, तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, तो आंसर कितना आ गया आपका थ्री। अब उसने क्या कहा फाइंड द लिमिट व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस वन पे आपने निकालना है एक्स, हाँ वन वाले में नहीं निकालोगे, एक्स अप्रोचेस वन वाले में यानी कि ग्रेटर देन जीरो वाला ही फंक्शन आपने लेके चलना है, तो आप एक्स को वन पुट कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है बेटे। जहां पे ऐसे आपको लेस देन ग्रेटर देन वाले दिए होंगे वहां डायरेक्ट वैल्यू पुटोगे हमेशा, और जहां आपका फॉर्म बन जाता है जीरो बाय जीरो पहले आपने हमेशा डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखनी है, जहां पे जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाती है फिर वहां आगे कुछ ना कुछ अदर वे यूज होगा। हाँ जी, अगर वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में गिवन है तो मिडल टर्म्स स्प्लिट करके फैक्टर्स बना के फैक्टर्स कैंसिल आउट कर दो कॉमन वाले जो भी हैं, अगर रूट की फॉर्म में गिवन है रैशनलाइज कर दो, अगर इस तरीके से टी रेशियोस के फॉर्म में गिवन है तो इनके जो फॉर्मूले हैं जैसे लिमिट साइन एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स या लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन वाले वो पुट कर दो, बाकी ये होगी प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे, और इसी पे बेस्ड आपका कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर है, तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो चैप्टर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब लिमिट एक्सटेंड्स टू वन
में फंक्शन ये वाला ले लोगे, x को 1 पुट करोगे, 3 × 1 + 1 = 6 विल बी योर आंसर। उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 जो है दैट इज फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट आल्सो एंड राइट हैंड लिमिट आल्सो। हां जी, हां बेटा ऊपर वाला लेना ही नहीं है, दिस इज फॉर ओनली x लेस देन एंड इक्वल टू 0। जब लिमिट x अप्रोचेस 1 है तो 1 का जो मैं स्लाइटली लेफ्ट या स्लाइटली राइट लूंगी तो वो 0 से नीचे नहीं जाएगा। 1 का स्लाइटली लेफ्ट या 1 का स्लाइटली राइट विल बी हियर। तो इट मींस जब वो x को 1 x 1 को अप्रोच कर रहा है तो आपने फंक्शन ये लेके चलना, ठीक है, क्लियर। वहां पे हमें x इज इक्वल टू 0 गिवन था तो 0 के जब हम स्लाइटली राइट पे आएंगे यानी कि x ग्रेटर देन 0 हो गया इसलिए ये फंक्शन लिया था, क्लियर। चलिए 24th क्वेश्चन स्टेटमेंट। -x² - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x हमने कैलकुलेट करना है और f of x हमें ये गिवन है। सेम वे में है, बताइए। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? दिस विल बी इक्वल टू 0। अब राइट हैंड लिमिट ले लो। अब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर। रमनीक, आर यू डूइंग द क्वेश्चंस? स्टेटमेंट बोलो। जीरो, चलो अब बताओ। मॉड ऑफ आ गया, इट मींस रीराइट करोगे फंक्शन को, तो फंक्शन कैसे रीराइट हो जाएगा आपका? फॉर एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0 पे वो हमें गिवन है, बताइए। फिर एक्स बाय एक्स यानी कि 1 आ जाएगा, लेस देन 0 पे माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटी, इसको जब भी मॉड के फॉर्म में होता है ना हम रीराइट करते हैं। मॉड के केस में जब हम जैसे एक्स लेस देन 0 लेके चल रहे हैं, हम एक्स लेस देन 0 लेके चल रहे हैं इट मींस हमारी जो एक्स की वैल्यू है दैट विल बी नेगेटिव, और जबकि जब हमें मॉड से आंसर चाहिए दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये हमने नेगेटिव साइन आगे लगा दिया, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स ये कैंसिल आउट होके योर आंसर इज माइनस 1। जब स्लाइटली राइट साइड पे लोगे यानी कि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स को एक्स ले लिया क्योंकि एक्स की वैल्यू आपकी ऑलरेडी पॉजिटिव है। किसमें? इसमें यहां से साइन देख लिया हमने एक्स लेस देन 1 यानी कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। ये मैंने एल एच एल निकाला 0, आर एच एल निकाला -2। हाँ, लेस देन वाली एल एच एल देगी, ग्रेटर देन वाली आर एच एल देगी, तो इनमें वैल्यूज पुट की डायरेक्ट
तो हमारी फंक्शन जो है वो लिमिट्स इक्वल नहीं आ रही थी, तो लिमिट इस वाले पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि दिस लिमिट इज नॉट डिफाइंड. वहां जहां लेस देन ग्रेटर देन गिवन नहीं है वहां तो डायरेक्ट जैसे हम करते आ रहे थे, जहां गिवन है वहां ऐसे लो नहीं, उसमें हम माइनस एच प्लस एच लेके चलते हैं, वो भी आएंगे क्वेश्चन अभी आगे. ठीक है, क्लियर इसका कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. चलिए नेक्स्ट 26. क्या कह रहा है पूरब? 9. हाँ सम ऑफ स्पेशल सीरीज नहीं है सिलेबस, डिलीटेड है वो. मिसलेनियस आएगी सम ऑफ स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चंस या एक्सरसाइज डिलीटेड है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. ये सेम इसी तरीके से, तो दिस यू विल डू योर सेल्फ. ठीक है, अब इसमें मॉड नीचे आ गया, एक्स ऊपर है. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हाँ जी. 27th मॉड एक्स क्या करें? फंक्शन क्या बन जाएगा? माइनस एक्स माइनस फाइव फॉर एक्स लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स माइनस फाइव. ठीक है, रीराइट किया मॉड की फॉर्म में था, क्योंकि मॉड के अंदर सिर्फ एक्स था, तो इट मींस दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो. जो भी मॉड में होता है उसको इक्वल टू जीरो पुट करके हम चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए. हाँ जी मॉड एक्स के साथ कुछ प्लस माइनस नहीं ना हो रहा, यानी कि जीरो के इधर और जीरो के इधर वैल्यूज चेंज हो रही है ना. चार नंबर का क्वेश्चन होएगा, फोर मार्क्स का होएगा. ठीक है, कर लोगे कंप्लीट? पूरा डाउट क्लियर है कि क्यों लिया जीरो क्यों लिया? आपने सिंपली बस ये ध्यान रखना है मॉड के अंदर जो भी है ना उसको इक्वल टू जीरो पुट करो, तो आपकी जो एक्स की वैल्यू मिल रही है आपको वहां के लिए हम चेक करेंगे. जो भी हम ये लेस देन और ग्रेटर देन ले रहे हैं ये जीरो लेंगे. किसमें? नहीं जरूरी नहीं है, समटाइम्स इट एग्जिस्ट. जब वहां वो जीरो से रिप्लेस कर दोगे फिर वो एग्जिस्ट करेगी. हाँ जी किसमें? हाँ अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करोगे तो माइनस फाइव आ रहा है समृद्धि, राइट हैंड भी पुट करोगे तो भी माइनस फाइव आ रहा है. इसमें पुट करेंगे ना एक्स को जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, तो दोनों सेम आ रही है. हाँ जी एक्स अप्रोचेस फाइव तो दोनों केसेस में हाँ फिर डिफरेंट आ रही. अगर यहाँ जीरो होता तो फिर आप वो लेके चलो. माइनस टेन नहीं एग्जिस्ट करेगी ना, माइनस टेन और प्लस आ गया. मैं जीरो देख सोच रही थी, लिमिट एक्स अप्रोचेस फाइव है, अगर जीरो गिवन होता फिर आना था. हाँ जी अगर यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो गिवन होता हमें फिर लिमिट एग्जिस्ट करनी थी, अब जो फाइव गिवन है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. हाँ जी बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट, ठीक है. नेक्स्ट हाँ जी लिमिट. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक सेकेंड दिखाना नहीं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इफ एक्स इज लेस देन वन. x equal to 1 पे इट्स 4 और b minus ax for x greater than 1 and if limit f of limit x tends to 1 f of x is equal to f of 1 then what are the possible values of a and b. a और b की possible values हमने निकालनी है. अगर हमें ये given है that limit x tends to 1 f of x is equal to f of 1, ठीक है. तो हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल टू एफ ऑफ वन पुट करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट को एफ ऑफ वन के इक्वल पुट करेंगे, दो इक्वेशंस आ जाएंगी, सिंप्लीफाई करके वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. पहले में क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं वन फ्रॉम माइनस साइड, तो फंक्शन ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है. दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, ये हमें गिवन है. अब इसको पुट करो, एक्स को वन पुट करोगे तो ए प्लस वन से स्मॉल के लिए फंक्शन क्या लिया, ये ले लिया, उसके बाद तो जो लिमिट अप्रोच कर रही होती है वही पुट करते हैं ना. एफ ऑफ वन मतलब एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन का वैल्यू फोर है. दिस इज अ कॉन्स्टेंट गिवन टू मी. हाँ यही है ना, यहाँ पे जब मैं x को 1 पुट कर दूंगी तो एट x इज इक्वल टू 1 f ऑफ x इज 4, एट x इज इक्वल टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, f ऑफ 1 की वैल्यू मुझे 4 गिवन है. x स्मॉलर देन 1 के लिए, यानी कि 1 जब 1 को वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है उस मोमेंट पे फंक्शन ए प्लस बी एक्स है. अब वो जो अप्रोच कर रहा होता है, आपको मैंने बताया कि वी कैन राइट इट डाउन एज वन माइनस एच, वेयर दिस एच इज अ सो दिस एच इज सो स्मॉल क्वांटिटी दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो. तो एक्स जब ये अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया तो एक्स क्या बचा आपका, वन. तो इसीलिए एक्स को लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के बाद, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने सिर्फ ये करना है जब x लेस देन 1 के लिए जो आपको फंक्शन गिवन है, जब आपने वो फंक्शन ले लिया उसके बाद x को 1 ही पुट करना होता है. सभी क्वेश्चंस में हम यही करते आ रहे हैं. गिवन है ये कंडीशन गिवन थी ना. यानी कि f ऑफ x की लिमिट जब वो x 1 को अप्रोच करेगा वो f ऑफ 1 के इक्वल है, 4 के इक्वल है. लेस देन 1 ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा. f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 गिवन था ना, f ऑफ 1 क्या है 4, ठीक है. इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम प्लस साइड, अब ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन इज b माइनस a, b माइनस a इज इक्वल टू एफ ऑफ वन है ना यहाँ पे. हाँ तो एक्स को वन ही पुट करना है, एक्स लेस देन वन ग्रेटर देन वन सिर्फ हमने देखना है फंक्शन को उठाने के लिए. वंस वी हैव टेकन द फंक्शन उसके बाद जो लिमिट है वो डायरेक्ट पुट करनी है. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है. ठीक है, डिफरेंस इज 4,
सम इज फोर, इट मीन्स दोनों में से एक नंबर जीरो होगा. जीरो एडेड टू एनी नंबर, जीरो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर गिव्स यू द सेम नंबर. तो ए जीरो आ गया, बी की वैल्यू फोर आ गई. ठीक है, हाँ जी सॉल्व करो ना. दोनों दो इक्वेशंस बन गई, एक ये बनी एक ये. हाँ तो ए कैंसिल आउट होके टू बी इज इक्वल टू एट आ गया, बी फोर आ गया. बी को फोर पुट करो, यहाँ ए जीरो आ जाएगा. ये वर्बली किया ना इसीलिए ऐसा हुआ. क्या बाकी मेरे में तो ऐसे बाकी किसे नहीं लगती है.